टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद से इंडियन टीम की तारीफें रुक नहीं रही हैं। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा की भी खूब सराहना हो रही है, लेकिन राहुल द्रविड़ का कोच के तौर पर कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। अब टीम इंडिया के लिए उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने एक भावुक पोस्ट साझा किया। इसमें रोहित ने राहुल द्रविड़ को अपनी वर्क वाइफ तक बता दिया है। इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 9 जुलाई को सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में रोहित ने द्रविड़ के साथ अपनी कई फोटोज भी शेयर की। उन्होंने लिखा, प्रिय राहुल भाई, मैं अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, इसलिए ये मेरा प्रयास है। रोहित ने आगे लिखा, बचपन से ही मैं आपको अरबों लोगों की तरह अपना आदर्श मानता आया हूँ, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिला। आप इस खेल के एक दिग्गज हैं, लेकिन आपने अपनी सारी उपलब्धियाँ और सम्मान किनारे छोड़ दिए और हमारे कोच बनकर आए। हम सभी को आपसे कुछ भी कहने में सहजता महसूस हुई। रोहित ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी राहुल द्रविड़ को उनकी वर्क वाइफ कहती है। उन्होंने लिखा, ये आपका गिफ्ट है, आपकी विनम्रता और इतने समय बाद भी इस खेल के प्रति आपका प्यार। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और ये सब हमेशा याद रहेगा। मेरी पत्नी आपको मेरी वर्क वाइफ कहती हैं और मैं भी आपको ऐसा कहकर पुकारने के लिए भाग्यशाली हूँ। वर्ल्ड कप का खिताब आपके कैबिनेट में एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसकी कमी थी। मुझे बहुत खुशी है कि हम इसे एक साथ हासिल कर पाए। राहुल भाई, आपको अपना विश्वास पात्र, अपना कोच और अपना दोस्त कहना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि कैसे उन्होंने द्रविड़ को हेड कोच बने रहने के लिए मनाया था। रोहित ने कहा था, मैंने उन्हें रोकने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना होगा, लेकिन हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बिताया हुआ समय एंजॉय किया। द्रविड़ ने भी इस बात को माना था कि रोहित ने उन्हें वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद कॉल करके मनाया था। BCCI के एक वीडियो में द्रविड़ ने कहा था, नवंबर में वो कॉल करने और मुझे रुकने को कहने के लिए, रोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है। द्रविड़ ने आगे कहा था कि कप्तान और कोच के तौर पर हमें कई बार बात करनी होती है, हम कुछ चीज़ों पर सहमत होते हैं, कुछ पर असहमत भी होना पड़ता है। इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों को जानना शानदार रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मैं हूं दिव्यांशी सम्राव। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।